Welcome back to my channel. I know it's been quite a while and I have been MIA, but छोड़ो वो जो सब हो गया वो हो गया. And yes, I have cut my hair as you would know and as you would have noticed from my mom's channel, उसमें मैंने दिखाया था कि मैंने अपने बाल काट दिए and ignore my baby hair because मैंने अभी अभी उसको straighten किए, वो अभी बैठने को ready नहीं है, तो अभी मैं उनको खड़ा रहने देती हूँ. It's okay. चाहो तुम ऐश करो. एनीवेज, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट मेकअप, इट इज नॉट अबाउट स्किन केयर और एनीथिंग, इट्स अबाउट समथिंग पर्सनल दैट आई एम वेरी लाइक इनसिक्योर अबाउट, बट आई एम पुटिंग इट आउट देयर इन द वर्ल्ड कि देखो भाई, जो है वो ये है. तुमको पसंद आता है तुम चलाओ, तुमको नहीं पसंद आया तुम मत चलाओ. ओके, सो we are going to talk about my hair, my original hair and uska kaisa color hai. So it's a whole story. Okay, so this video is gonna be long, so if you wanna know everything ki like kya hai kaise hai kyun hai, so please bane rahiye. Aur agar if you don't wanna know about it and if you don't have the time for it, it's okay. Main aapka time waste nahi karna chahti, but this is फॉर माई सेल्फ, लाइक मुझे सबको बता देना है कि अभी जो भाई जो है वो ऐसा है एंड मैं अभी थक गई हूँ और मुझसे और नहीं हो पा रहा है, सो विच इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. सो इफ यू वॉन्ट नो ऑल द डिटेल्स, बने रहिए आप. माई फैमिली मेम्बर्स और माई रिलेटिव, दे ऑलरेडी नो अबाउट दिस दैट आई हैव ग्रे हेयर. नेचुरली मेरे हेयर ग्रे हो गए हैं एंड जो मतलब हमारी लैंग्वेज में उसको सफ़ेद बोलते हैं, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली सफ़ेद, बट इट इज़ लाइक ग्रेश, सफ़ेद सफ़ेदिश ग्रे, वैसा कुछ वो वैसा है. सो इसकी स्टोरी शुरू होती है व्हेन आई वाज ओनली 8 इयर्स ओल्ड. मैं सिर्फ 8 साल की थी तब से मेरे बाल लाइक तब पहला बाल एक दिखा था मम्मी को कि आज से ना मतलब शी वॉज डूइंग माई हेयर एंड देन उसमें उनको दिखा कि एक सफ़ेद बाल आया है, तो मैंने बोला कि निकाल दो. तो मेरे दादू बोलते थे कि नहीं, तो एक निकालेगी तो उसके तो जगह पे दो ग्रो होंगे एंड वो सब था. ठीक है, तो वो पहला बाल आया, फिर धीरे धीरे यू नो थोड़े ज्यादा बाल बढ़ने लगे. सपोज इफ आई हैड लाइक 100 हेयर, उसमें से 90 ब्लैक होंगे, 10 वाइट होंगे. तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया. फिर कमिंग टू द 11th ग्रेड, ऑलमोस्ट 11th ग्रेड नहीं, मैं 11 साल की हुई, दिस वॉज बैक इन 2007. हाँ, मैं 11 साल की हुई तब इट वॉज लाइक 60% ऑफ माई हेयर वॉज ग्रे. तो हमने डॉक्टर को दिखाया, बहुत किया, मम्मी ने इतनी पता नहीं सब सारे नुस्खे उन्होंने ट्राई कर लिए, विटामिन ई टैबलेट्स लेके उसको वो पूरा सर पे लगाना एंड देन आमला का ये पाउडर लगा के उससे बाल काले होते हैं. फिर वी ट्राइड दिस, इंदुलेखा ऑयल आता है उससे भी हमने ट्राई कर लिया कि ये वापस ब्लैक हो जाए, बट नहीं हो पाया. वी ट्राइड एवरीथिंग ऑन दिस एंटायर यूनिवर्स, बट नहीं हो पाया. सो एट द एंड व्हाट वी डिसाइडेड, 11 साल की थी तब से, फिर एक ही सोल्यूशन था उसको, या तो कलर करो या वट एवर. सो मम्मी वॉज लाइक कि डाई तो अभी से नहीं कर सकते, तो यू नो वी विल स्टार्ट विथ हेना. तो हमने मेहंदी लगाना शुरू किया मेरे बाल में. सो मैं इधर आके मैं स्कूल में जाती थी तब भी आई रिमेम्बर आई हैड ऑरेंज हेयर, जैसे मेरे डैड के अभी कैसे हैं वैसे एकदम ऑरेंज, जो मतलब ये सारे ब्लैक थे, बट मतलब जो 30% ब्लैक थे वो थे, बाकी जो 60-70% जो ग्रे हेयर थे उसमें इमेजिन आप सीधा मेहंदी लगाओगे, उनको तो ऑरेंज ही होना है, क्योंकि सफेद से डायरेक्ट उस पर मेहंदी तो ऑरेंज, काले बालों पे तो मेहंदी का इतना कलर नहीं आएगा. बट आई हैड ग्रे हेयर, सो हाफ ऑफ माई हेयर, मोर देन हाफ ऑफ माई हेयर वॉज ऑरेंज एंड आई रिमेम्बर आई वॉज लाइक बुलीड फॉर इट इन स्कूल ऑल्सो. बहुत सारी चीज़ें बोली जाती थी स्कूल में बाय अदर स्टूडेंट्स या वट एवर कि देख बुढ़ी हो रही है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है. एंड देन आई रिमेम्बर दिस वन टीचर, अभी भी मुझे याद है वो ट्रॉमा, ओ माई गॉड. वो दिस वन टीचर, मेरे बाल एक तो देखो, एक तो छोटे थे
एंड देन ऊपर से देवर ग्रे, सो आई हैड टू कलर देयर, एंड ऊपर से मैं मेहंदी लगाती थी तो वो और ज्यादा ड्राई होते थे. सो इन सब चीजों की वजह से यू नो दे यूज टू गेट फ्रिजी, एंड छोटे थे तो आई कुडंट इवन टाई माय हेयर, सो आई हैड टू लीव देम ओपन, लाइक इतने ही मेरे बाल थे. सो आई रिमेम्बर दिस वन टीचर हु वेंट, लाइक उन्होंने इतनी गंदी शक्ल बनाई ना मेरी तरफ, चीज लाइक ओ माई गॉड यू लुक सो शैबी, लाइक लुक एट योर हेयर एंड एवरी थिंग. एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट आई केम होम एंड आई क्राइड सो मच बिकॉज ये मेरी गलती नहीं है, राइट? अभी जो है वो है, मैं जानबूझ के तो नहीं कर रही, देर इज नो अदर सोल्यूशन फॉर दिस. सो विच इज वाई आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस, कि लाइक अगर आपको ऐसा कोई मिलता है तो कृपा करके आप उनको कुछ मत बोलिए. अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है ठीक है, अपने मन में रखिए, कीप इट टू योर सेल्फ, प्लीज डू नॉट वोकलाइज इट. कि दिमाग में थॉट आएगी, देखो ये तो इसके तो बाल हो गए, ये तो बुड्ढी लग रही है, ठीक है आपने सोच तो लिया, वहीं तक रहने दो. उस बंदी को या बंदे को उसको ऑलरेडी पता है, डोंट यू थिंक दे नो कि लाइक ओ वाओ आपने बोला उसके बाद तो मुझे पता लगा, थैंक यू सो मच. दे ऑलरेडी नो, द चांसेस आर 100% दैट दे ऑलरेडी नो, सो प्लीज कीप इट टू योर सेल्फ. सॉरी दोस्तों, रुकावट के लिए खेद है, बीच में बारिश आ गई थी तो मुझे बाहर जाना पड़ा. पूरा अभी भी जो टुप 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 आवाज आ रही है ना, वो बारिश की आ रही है, वो बूंदे गिर रही है. सो एनीवेज, प्लीज डोंट टेल एनीवन. एंड अगर कोई भी ये वीडियो में भी कोई कमेंट करना चाह रहा है कि ओ माय गॉड आप तो बुड्ढे हो गए हो, तो प्लीज आप अपने ओपिनियंस अपने पास रखिए, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है एंड कि मेरे ग्रे बाल हो गए हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आप बुड्ढे हो गए हो. आई स्टार्टेड विथ हेना एंड फिर वो 2-3 साल मैंने किया, फिर उसके बाद अगेन इट वॉज लाइक ऑरेंजी एंड वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मम्मी वॉज लाइक कि फाइनली चलो अभी हेयर डाई कर ही लेते हैं. सो अभी वो आई यूज टू डू दोज बॉक्स डाइज एंड आई हैव बीन कलरिंग माई हेयर सिंस द लास्ट 15 ईयर्स. Yes, you heard that right, since last 15 years. It was like, and plus मेरा growth भी touchwood इतना है, क्योंकि कि you know, if I color my hair today, after 15 days वापस इतने मेरे बाल उग जाएंगे. So जो नए बाल आ रहे हैं उसको retouch तो मेरे को करना ही पड़ेगा. So it was like every 15 days. For 15 freaking years I used to color my hair. तो अभी ना एक ऐसा point आ गया था. This was on कब, August 11th or something. That was the last time I colored my hair. उसके बाद जब वापस आने लगे तब I was done. मेरे दिमाग में ऐसा टी हो गया कि नहीं बस अब बस please अब मुझसे नहीं हो सकता. So that is when I decided to stop and just go cold turkey. Cold turkey मतलब you stop all of a sudden, कुछ ऐसा नहीं कि धीरे धीरे आप कम करो या वन, यू आर सो टायर्ड यू जस्ट मेकअप योर माइंड वन डे, यू गेट अप एंड यू आर लाइक कि नहीं भाई अब उससे नहीं हो पाएगा. सो आई डिसाइडेड टू डू इट कोल्ड टर्की. सो सिंस देन इज बिन नाउ 3 मंथ्स. 3 मंथ्स से मैंने अपने हेयर कलर नहीं किए, हेयर डाई नहीं किए, एंड द रीजन फॉर इट इज जस्ट दैट मैं थक गई हूँ भाई, अब मेरे से नहीं हो पाता. अभी मतलब ग्रे हेयर है तो क्या हुआ, आई मीन ऑन द वेस्टर्न कल्चर पीपल आर मोर एक्सेप्टेबल अबाउट इट, लाइक देर आर सो मेनी ग्रुप, सिल्वर सिस्टर्स, ग्रे हेयर गॉर्जियसेस या वट एवर गर्ल्स, या ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स भी हैं, बहुत सारे कल्ट्स भी हैं एक्चुअली. सो यू नो वेस्टर्न कल्चर में दे सपोर्ट ईच अदर कि लाइक देखो यू डोंट हैव टू डू इट फॉर द वर्ल्ड. अगर तुमको डाई करना है, तुम्हारा दिल कर रहा है, दिल की इच्छा है तो तुम करो, बट तुम समाज के डर से या लाइक दूसरों के डर से यू डोंट डू इट. कि लाइक इफ यू फील प्रिटी विथ द ग्रे हेयर डू इट, इफ यू आर डूइंग कि यू नो लोग क्या कहेंगे उसकी वजह से तुम मत करो. सो देयर आर वेरी सपोर्टिव ग्रुप्स आउट देयर इन द वेस्टर्न कल्चर, बट हमारे एशियन कल्चर में, इंडिया में स्पेशली, लोग इतना ओपन अप नहीं हुए हैं और एक्सेप्टिंग नहीं हुए इस चीज़ के बारे में. सो आई वॉन्ट टू बी द वन टू स्टार्ट डूइंग दिस सो दैट यू नो पीपल आर मोर एक्सेप्टेबल टूवर्ड्स दिस, दैट यू नो दिस इज लाइक नेचुरल एंड इट्स ओके. एंड मेरे को यंग एज में हो गया एंड बहुत
ऐसे बहुत लोग हैं जिनके ऑलरेडी यंग एज में हो रहे हैं, लाइक देयर इट इज मोर कॉमन दैट यू नो यू वुड लाइक टू थिंक. सो इट्स नॉट समथिंग कि लाइक ओ माय गॉड ये इसको ही क्यों हो रहा है. देयर आर मेनी पीपल बट दे डिसाइड और मेक अप देयर माइंड टू कवर इट अप. बट मेरा वो पॉइंट आ गया है, सैचुरेशन पॉइंट, कि भाई अब मेरे से ना हो पाएगा. सो विच इज वाई आई स्टॉप डाइंग माई हेयर. एंड लेट मी टेल यू आई एम सो हैप्पी बिकॉज वो कोई झंझट नहीं है. एवरी डे यू हैव लाइक एवरी 15 days यू डोंट हैव टू गो टू द सलोन यू. और अगर आप घर पे कर रहे हो तो घर पे भी यार इट्स सो मच एनर्जी, सो मच एनर्जी. अभी भी बादल गरज रहे हैं, सो अगर वो बैकग्राउंड में आ रहे हैं सो प्लीज इग्नोर इट. सो या आई डिसाइडेड टू स्टॉप एंड आई हैव नेवर बीन मोर हैप्पियर. आई मीन नो मोर झंझट, नो मोर लाइक यू नो फिगरिंग आउट अ डे कि लाइक आज मेरा ये प्लान है तो उसके पहले मुझे ये करना है, अगले रात ये वो वगैरह, वो सब भी कोई कुछ चीज नहीं. आप टेंशन फ्री रहो, जस्ट दैट यू नीड टू हैव सम कॉन्फिडेंस इफ यू आर गोइंग टू डू दिस बिकॉज वर्ल्ड कैन बी क्रूअल, वर्ल्ड कैन बी रियली क्रूअल एंड यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू हैव टू हैव दैट करेज टू गो आउट इन द वर्ल्ड द वे यू आर. एंड टू बी ऑनेस्ट लाइक मुझे भी ये थोड़ा इश्यू है, ऐसा नहीं है कि लाइक यू नो आई एम द ब्रेवेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड एंड मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या करते हैं. कभी कभार फर्क पड़ता है बिकॉज यू नो लोग बहुत मीन हो जाते हैं यार, बट इट्स ओके. डिफिकल्ट होता है सबके लिए, मेरे लिए भी डिफिकल्ट रहा है, बट एट दिस पॉइंट ना आई हैव डेवलप दिस मेंटेलिटी कि इट इज वॉट इट इज. तुमको पसंद है तुम मेरे से मिलो, तुमको नहीं पसंद है तुम मत मिलो. प्लस जब आप इतने सालों से अपने हेयर डाई करते हो तो यू नो देर आर अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स टू इट ऑल्सो बिकॉज जितना भी उसमें आप कलर में देख लो कि नो अमोनिया अमोनिया फ्री है, उसमें थोड़ा अमाउंट तो होता ही है. एंड यू नो समटाइम्स इट कैन गेट लाइक ये सारी चीजें ना शॉर्ट टर्म में नहीं दिखाई देती है, बट इन द लॉन्ग रन यू गेट टू सी द साइड इफेक्ट्स. लाइक हाफ ऑफ द कॉज ऑफ दिस वॉज लाइक मुझे डैंड्रफ होने लगा था, माई स्कैल्प वॉज रियली इची, लाइक इतनी 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 इचीनेस होती थी ना कि मतलब बात जाने दो. सो अभी वो भी कम हो गया है, मेरा डैंड्रफ भी कम हो गया है. सो यू नो इट्स ग्रेट एंड ऑफकोर्स इट्स केमिकल्स एट द एंड ऑफ द डे. सो जितना भी आप दूर रहो उनसे उतना अच्छा. सो yeah, this is my journey so far and finally I'm gonna show you what my hair looks like. Yeah, I think I'm ready for it. So all the best. So this is my hair. Let me do a proper parting. And this is my 3 months ka growth. ye jo hai isme beech mein black bhi hai, it's not completely white. इट्स लाइक 70% ग्रे हेयर है मेरे, बट बीच में ब्लैक भी. जैसे ये फ्रंट पीसेज आई डोंट हैव लाइक ग्रे हेयर ओवर हियर एंड ऑन द बैक इट्स जस्ट ऑन द टॉप मेनली इधर ज्यादा है. सो देन वी डू दिस पार्ट. यू सी दिस इज माय ग्रोथ. लाइक यहां तक अगर ये सारे बाल भी मैंने डाई किए हुए इसीलिए ये ब्लैक है, वरना दे वुड ऑल बी लाइक सब ग्रे होता. बट आई हैव डाइड इट एंड दिस इज वेयर आई स्टॉप. सो 3 months का ये ग्रोथ है. सो यू कैन इमेजिन कि लाइक मेरा ग्रोथ ज्यादा है. टच वुड, आई एम वेरी हैप्पी. आई जस्ट वॉन्ट ग्रो माई हेयर आउट. एंड मुझे ना बचपन से शौक था कि लाइक आई वॉन्ट लाइक प्लैटिनम ब्लॉन्ड हेयर, लाइक आई वॉन्ट दैट सिल्वर हेयर. सो नेचुरली थे बट आई डोंट नो बिकॉज इट्स जस्ट दैट कि ये जो ट्रांजिशन होता है ना दैट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज अगर डायरेक्टली आप उसको ब्लीच करवा लो या ब्लॉन्ड यू गो योर होल हेयर ब्लॉन्ड तो किसी को शायद पता भी नहीं चलेगा या वट एवर. बट अगर आप इसे बिना कुछ किए ट्रांजिशन कर रहे हो सो इट गेट्स डिफिकल्ट. सो यू सी आई हैव लाइक बादल गरज रहे हैं एंड लाइटनिंग भी हो रही है. सो एनीवेज या दिस इज माय हेयर. 3 months का ग्रोथ है एंड आई एम हैप्पी विद इट. सो फार इट्स ऑलराइट बट या आई जस्ट वांटेड टू पुट इट आउट देयर कि देखो भाई ये मेरे बाल हैं एंड द ग्रेटेस्ट थिंग दैट आई हैव इज
माई फैमिली, माई फैमिली इज बीन सो सपोर्टिव ऑफ दिस. देर लाइक कि तो लोग क्या सोचेंगे वो मत सोच, तू अपने बारे में क्या सोचती है वो सोच. एंड दैट इज आई थिंक द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड यू नो आई एम ब्लेस्ड दैट यू नो आई हैव फैमिली एंड फ्रेंड्स हु सपोर्ट दिस एंड हु एनकरेज मी टू यू नो जस्ट बी माई सेल्फ. एंड देर लाइक कि इफ यू आर हैप्पी गो अहेड वाई नॉट. एंड मैंने मॉम को भी बोला था कि मुझे ऐसे करना है, तो मॉम इज लाइक कि तुझे इतना ब्लीच वगैरह करना है वो इट्स ओके इफ यू वांट टू डू दैट, बट सिंस यू नो इट इज इयर्स ऑफ बॉक्स डाई सो आई वॉन्टेड टू डू दैट एट फर्स्ट कि यू नो पूरा ब्लीच करवा के आई विल डायरेक्टली गो एश ब्लॉन्ड या प्लेटिनम ब्लॉन्ड या वट एवर. आई नो इट विल टेक टू थ्री सिटिंग्स बट स्टिल सिंस ये बॉक्स डाई है इसमें अगर ब्लीच भी करोगे तो मेरा मैक्सिमम से मैक्सिमम माई हेयर विल टर्न ऑरेंज. तो ऑरेंज में आप सिल्वर हेयर नहीं कर सकते. सो इट्स अ होल अनदर कॉन्वर्सेशन कि यू नो हैव टू ये कलर ये ऑलरेडी है वो बॉक्स डाई है इट्स अ परमानेंट डाई सो आई कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट. सो आई वॉन्टेड टू डू दैट. आई कंसल्टेड लाइक टू और थ्री सलॉन्स ऑल्सो कि मुझे ये करना है, बट दे विल लाइक कि मैडम ये नहीं हो सकता बिकॉज आपने परमानेंट हेयर कलर किया हुआ है. सो अगर जितना भी ब्लीच यूज करो यू कैन नॉट गो टू दैट यू नो ग्रे वाला कलर. सो दैट ऑप्शन वॉज क्रॉस्ड आउट. द अदर थिंग वॉज मॉम ने ही सामने से बोला था कि वाई डोंट यू ग्रो इट आउट, लाइक ऐसे ही उसको ग्रो कर ले. बट एट दैट टाइम आई वॉन्टेड टू कलर माई हेयर एंड डायरेक्टली गो पूरा प्लेटिनम ब्लॉन्ड. सो आई वॉज लाइक नहीं यार मम्मी वो कितना ऑकवर्ड दिखेगा, लाइक तब तो मैंने मना कर दिया. फिर उसके बाद आई कंसल्टेड ऑल द सलॉन्स एंड दे सेड नो. एंड आफ्टर दैट आई वॉज लाइक यू नो व्हाट आई एम डन, लेट दिस बी एंड आई थिंक आई एम गोना ग्रो आउट माई हेयर. सो देन मैंने मॉम को जाके बोला था कि मम्मी अब तो मैं नहीं करने वाली, मैं ऐसे ही यू नो आई विल ग्रो माई हेयर आउट. एंड शी इज लाइक वो तो मैंने पहले तुझे बोला. सो यू नो मम्मी हमेशा मम्मी होती है, उनको पहले ही पता होता है, बट हम ऐसे सुनते नहीं है. बट या द पॉइंट बीइंग दैट फैमिली एंड फ्रेंड्स सपोर्टिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स आर रियली इम्पॉर्टेंट. सो दैट ऑल्सो प्लेज अ ह्यूज रोल. सो इफ देर इज एनी सिल्वर सिस्टर आउट देर हु वॉन्ट्स टू you know grow out the natural hair, I think you know it's time now, it's time that people stop commenting on people and people just let people be like jio aur jeene do. Agar kisi ke grey baal hai so please don't discourage them saying ki oh my god to kitni buddhi lag rahi hai, to buddhi ho gayi, because I have received those comments, I honestly have, and it's not a good feeling. Agar aap किसी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो आप करो, बट आप किसी को ऐसे डिस्करेज करना चाहते हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने दिमाग तक ही रखो, डोंट उसको उसको ऐसे जबान पे मत लाइए आप प्लीज. सो या एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट इट. एंड या आई एम फाइनली हैप्पी दैट आई पुट इट आउट देयर सो आई कैन लाइक नाउ गो आउट लाइक दिस बिकॉज एक्सक्यूज मी बिकॉज मेरी मॉम की भी चैनल है उसमें भी. सो सिंस अ लॉन्ग टाइम इफ यू वुड हैव नोटिस्ड मैं आई यूज टू टाई माई हेयर इन अ पोनीटेल. आई नो द रेगुलर व्यूअर्स आउट देयर लाइक मेरे मॉम के चैनल में भी है वो, मैं आई यूज टू यू नो जस्ट टाई माई हेयर लाइक दिस बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू शो माई ग्रेस अंटिल एंड अनलेस आई लाइक अंटिल आई पुट दिस वीडियो आउट ऑन माई चैनल. बिकॉज डायरेक्टली अगर मैं ऐसे जाती मुझे हजार सवाल होते हैं, इसलिए फाइनली आई हैव पुट आउट दिस वीडियो. सो एटलीस्ट जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो तो मुझे कमेंट ऐसे कमेंट नहीं करेंगे या सवाल नहीं करेंगे कि भाई तेरे बाल ग्रे हो गए और या आर यू ग्रोइंग देम आउट या क्या चल रहा है. सो नाउ आई एम रेडी आई थिंक. सो नाउ मैं मम्मी के चैनल में भी ऐसे आ सकती हूँ, आई डोंट माइंड इट. एंड या फाइनली आई कैन डू माई साइड पार्टिंग मिडिल पार्टिंग एवरी पार्टिंग दैट आई वॉन्ट एंड मुझे वो पोनी टेल नहीं टाई करनी पड़ेगी. सो या आई एम सो हैप्पी. एंड फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन सपोर्ट ऑफ दिस थैंक यू सो मच. बी माई फ्रेंड्स फैमिली एवरी वन थैंक यू सो मच. जो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है उसके लिए आई रियली अप्रिशिएट इट. लाइक दुनिया में आप जैसे हजार लोग करोड़ लोग मिलियन लोग ऐसे हो ये मैं दुआ करती हूँ. आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड देन प्लीज लाइक दिस वीडियो,
comment on this video and subscribe to my channel. I will see you next time. Bye bye.